ये इच्छा। अब इसके बाद देखिए ये काम यहां पहली लाइन खत्म हो गई, ये थी विल। विल मीन्स इच्छा। माइंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विल के सिम्टम होंगे जो विल के आसपास है कि सर मुझे खाना नहीं अच्छा लगता है, सर मुझे काम करने को मन नहीं, मेरी इच्छा लेटे रहने को करती है, मेरे को घर का काम मौत लगता है। अब समझ रहे ये इच्छाएं ये सबसे इंपॉर्टेंट होंगी। इसको क्या कहेंगे हम? विल। विल में सबसे ऊपर आ गई ये मन है, मन। और मन स्पीड बहुत ज्यादा है, सो विल जाते ना, जाने से पहले भी संसार में आप क्या करते हो? डू योर विल। मरने से पहले विल कर जाओ कि मेरी इच्छा ये है कि मेरा ये सामान मेरे इस पुत्र को जाना चाहिए, तुम जिस सन भी चुके टू विल। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग। सर ऐसी पढ़ा हमने, हेलो, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड इज अंडरस्टैंड। नो आफ्टर द सीड इन द माइंड, इन द सीड द माइंड ऑफ दर सीड कैन या आई हैव टू हैव द एप्पल। इच्छा उठ गई, इच्छा क्या उठी? एप्पल लेना। सो द विल, नाउ द लेवल ऑफ विल फिनिश। अब इच्छा का रोल खत्म हो गया, अब किसका रोल लगेगा? दिमाग, अंडरस्टैंडिंग। कैसे लगेगा? अब बीमारी देखो कहां से आएगी। अब विल, यहां से इच्छा उठी, हृदय में इच्छा उठी एप्पल खाना। अब एप्पल कैसे मिलेगा? समझो ये मेरी माँ है, या ये मेरी माँ है ना, ये चॉकलेट रख लो, ये बट अब मैं कैसे करूँ? अब अंडरस्टैंडिंग मुझे कहती है हाउ टू गेट दिस, तो मेरे पास क्या तरीके होंगे? वट आर द वेज आई कुड गेट इट? कि मैं प्लीज बिल मांगू, कि मैं रिक्वेस्ट करके मांग लू, मम्मी दे दो, तो मैं नहीं करूंगा, लड़ लू लेने। ये अंडरस्टैंडिंग करा रही कि विच वे शुड आई गेट इट? नहीं दोगी तो मैं जा धमकी दे, क्या नहीं दूंगी तो मैं फाटे भाग रहा, चोरी कर लू। ये सारे काम अंडरस्टैंडिंग से बिल खत्म हो गया। बिल का रोल पहले सीन में खत्म हो गया था। हाउ टू गेट इट, उसको कैसे, उस इच्छा को पूरा किया जाए, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? आई हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आई हैव टू प्लान द थिंग्स। ये सारा काम कौन करता? अंडरस्टैंड। क्लियर है मां? अब डिजीज कहां पहुंच गई? विल से अंडरस्टैंडिंग तो पहुंच गई। अब तीसरी फैकल्टी यूज करेंगे हम। उसने बोला सब हथियार फेल हो गए, मां तो मानती नहीं है, मदर इज नॉट कोऑपरेटिंग, वो देने को तैयार ही नहीं। तू खाएगा चॉकलेट तेरे दांत खराब हो जाएंगे, डॉक्टर हैज रिफ्यूज्ड, नो चॉकलेट, नो वे। अब वो सोचता यार कैसे, अभी भी दिमाग में कीड़ा तो है, जबी भी है, अब क्या करेगा? वो दिमाग लगाता है कि मां जब शॉपिंग को जाती है एक घंटा लगा, नहाने जाती है आधा घंटा लगा, तो वो आधे घंटे में मैं एक बार तो जाके देख आऊंगा। अब वो क्या यूज कर रहा है? मेमोरी, आधा घंटा। मेमोरी में कितना कितना वजन है उस हाफ एन आवर में, उसने वो सारा काम करना है मां की एब्सेंस में। आई एम गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा? अब डिजीज पहुंच गई मेमोरी के। अगर मेमोरी फेल हो गई तो उसकी कैलकुलेशन यहां गलत बैठ गई तो क्या होगा? पिटेगी ना। सो ही हैज गॉन नाउ कम टू द लेवल, थर्ड लेवल। Now comes the body. अब उसके बाद बॉडी के बारी आई, ये बैठा था। अगर मेरी इच्छा उठी, हेलो, अगर मेरी बिल उठी कि सेब खाना है और बॉडी के मैं नहीं जाती तो सेब, मेरी इच्छा सेब ले आएगी? इच्छा से सेब आने वाला नहीं। इच्छा कैन नॉट बी द सेम, एप्पल विल नॉट कम टू मी। फॉर दिस आई नीड माई बॉडी। अब मेरे पैर उठेंगे, मेरा हाथ चलेगा, अब मैं उठूंगा और ये जाएगा। क्या बिल पकड़ लेती? अंडरस्टैंडिंग पकड़ लेती? मेमोरी पकड़ लेती? नो, आई नीड हैंड, अ बॉडी। अब डिजीज कहां पहुंच गई? बॉडी ये आ गया। अब मैंने देखा मां आ गई तुझे बना, तो मैं चोरी भी सीख गया। मां पूछती क्या किया? नहीं कुछ नहीं, खेल रहा था। बोली वो पूछते हैं नहीं ये बल क्या है? अब तो चोरी भी सीख गया है, तो एक सेब पाने की इच्छा ने मुझसे अब चोरी भी कराई।
तो डिजीज कहां पहुंच गई, पहले क्या था, यहां से सोचिए, पहला था सोरा इच, अब छुपाना किसे कहते हो, साइकोसिस आ गया और इकट्ठा कर लिया आगे, अब और तीसरा क्या होगा, तू नहीं देती तेरी मैं जान निकाल दूंगा, चक्कू ले आया, एक सेब के चक्कर में मां मार देगा। अब डिजीज कहां तक ट्रेवल कर गई, तीसरे लेवल, आर यू गेटिंग, एक सीट ने, एक इच्छा ने, वो सब करा दिया।